हेलो फेलर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है मेरा लास्ट डे क्योटो में, जापान में। टेक्निकली कल है क्योंकि परसों है मेरी फ़्लाइट, पर मेरी फ़्लाइट यहाँ से 500 किलोमीटर दूर से उड़ने वाली है, तो कल का पूरा दिन तो ट्रैवलिंग में ही चला जाएगा। और आज लास्ट डे की शुरुआत मैं करने वाला हूँ एक पॉपुलर श्राइन को देख कर। ऐसे ही डंडे मिलेंगे वहाँ पर भी, थोड़ा सा रिलेटेबल बना रखा है स्टेशन को। इन 15 दिनों में इतनी श्राइन्स घूम चुका हूँ कि सारे रास्ते सारी श्राइन्स सेम सी लगती है मेरे को। अब हियर वी गो, उन गेट्स पर पहुंच गए जिनकी मैं बात कर रहा था। आई डोंट रियली नो ये रास्ते कहाँ जा रहे हैं, बट ये वाला थोड़ा ऊपर को जा रहा है और मुझे हाइकिंग पसंद है, तो हेयर वी गो। भाई बहुत सही लग रहा है वैसे यार। ओए होए, एक्चुअल में काफ़ी सही वाइब आ रही है। ये देख रहा, रेडिश रेडिश सा यू नो ऑरा आ रही है पूरी। दुनिया भर कितने होंगे ये, हजारों सही में? अब बहुत लंबा है ये देखो। वो ऐसा लग रहा है मैं किसी यू नो टाइम ट्रेवल कर रहा हूँ। बहुत जगहें हैं ये। चलो भूल भुलैया में घूम रहे हैं, मेरे को पता भी नहीं है मैं जहाँ कहाँ रहा हूँ, मैं बस फॉलो कर रहा हूँ इनको। मुझे फॉरेस्ट ग्रीनरी इतनी पसंद है, लेकिन वाइल्ड एनिमल्स ना हो तो। फिर से आ गया एक बड़ा गेट। किसने कंस्ट्रक्ट किया ये, कितने साल पुरानी है ये? और सब पे ना कुछ लिखा हुआ है, सेम लाइन है क्या? नहीं, डिफरेंट है सब पे। शाम को मेरे को लगता है यहाँ पे लाइट्स वगैरह दिखता ही नहीं होगा, कुछ लाइट्स तो है ही नहीं कहीं भी। बो करो, पहले तुमसे भी करवा रहा हूँ। एंड देन चौकी, बड़ी श्राइन है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखो फिर से आ गए, कहाँ का पानी आ रहा है, ये माउंटेन का फ्रेश वाटर। वो ये गोप्रो क्या कर रहा है भाई? चक्कर आ रहा है, इसे भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है ये। ओ भाई ये क्या हो रहा है, देखो कितने क्यूट गेट्स रखे हुए हैं भाई। सुबह देखो तो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, लेकिन रात को थोड़ा सा तो क्रीपीनेस लगता होगा, लेकिन ये श्राइन है तो पॉजिटिव वाइब्स। वो दिख रहा है, वो दुनिया भर के ऐसे ही छोटे छोटे गेट्स रखे हुए हैं, आई थिंक कोई बनाता है यहाँ पे इन्हें। जापान को हाइकिंग कराना बहुत पसंद है, सारी जगहें ऐसी हैं। ओह थक गए, अभी तो और चल रहे हैं। मुझे पता था यहाँ पे इतने सारे गेट्स हैं, इतने सारे हैं ये नहीं पता था। बहुत अनएक्सपेक्टेड नंबर है भाई ये तो। मजाक नहीं भाई, वहां से और गेट्स जा रहे हैं ऊपर तक। मैं ऑलरेडी इतना ऊपर आ चुका हूँ, कहाँ जा रहा हूँ मैं ये? मैं इधर जा रहा हूँ ऊपर, बिकॉज वाई द फ्रिक नॉट, ये टॉप है। उधर से एक रास्ता जा रहा है, बट वो थोड़ा जंगल टाइप है। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। ये चीज़ें और भी थी यहाँ पे देखने के लिए, बट मुझे अपना कोविड टेस्ट कराना है, बिकॉज फ़्लाइट्स के लिए यू नो कंपलसरी हो गया है वो। सुबह सुबह हाइकिंग करने का आइडिया ना सही नहीं था, थक गया हूँ मैं बहुत। अभी तो पूरा दिन पड़ा है, और लेकिन मैं पहुँच गया क्लिनिक पे। इस PCR से फ्री होता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। ओह 10,500 का PCR टेस्ट है यहाँ, मैं 300 का करा के आया था इंडिया से। इतना महंगा क्यों है भाई? और उसने ना नाक में बहुत अंदर तक दे दिया यार, और वो इचिंग हो रही है। मैं एक बैग परचेज करने की सोच रहा हूँ यार, सुवेनियर्स ले जाने के लिए। मेरे पास ना स्पेस नहीं है बिल्कुल भी भाई। अभी यहाँ पे आया हूँ, ये समुराय और निंजा म्यूजियम देखने का प्लान है। देखो दुनिया भर की कटानाज रखी हैं। आज ही मेरे से जैकेट उतरवा दी, और आज ही मैंने इनर लाइक हाफ टी शर्ट पहनी हुई है। वेरी गुड, अभी हम इधर जा रहे हैं निंजा बनने के लिए। तो भाई हम यहाँ पे थे, वो जो बंदा है पूरा लाइक स्टोरी वगैरह बताया है, सब कुछ बताया उसने, कैसे कैसे फाइट हुई थी, पूरे पीरियड्स के बारे में, कौन कौन थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग था, समुराइज के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, उनके आर्मर के बारे में, पहले आर्मर्स थे बट देन ये। काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग यू नो एक्सपीरियंस था। बस सही लग रहे हैं भाई, सेकिरो की इतनी याद आ रही है मुझे इससे, गोस्ट ऑफ सुशीमा की भी। ये देखो ये सेकिरो के कितने सारे विलन्स थे जिनके पास ये था,
बढ़िया गया, काफ़ी फन थी ये क्लास सी, बहुत लंबी थी बट बहुत कुछ सीखने को मिला। टारगेट प्रैक्टिस। Raise your right arm up. And throw. One, go. There you go. Don't worry, it's your first time. First time. If you hit the bullseye at the first time, it's go. Oh, very good. Very good. I damaged him at least. Yeah. Like this. Very simple. Go. Okay, that is very close. Okay, go. Samurai bun gaya. Make sure it's on your left side. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Bahut heavy hai ye helmet. And take off your mask. Bahut heavy heavy sa lag raha hai. Sahi feel aa rahi hai jaise main battle ke liye ja raha hu. This needs to stop now. बहुत भारी है ये, समुराई बनना आसान नहीं है। All right guys, this was a fun experience. हमने कुछ फोटोज वगैरह खिंचा ली, इस बंदे के साथ फोटो खिंचा ली, बहुत सारी ड्रेस वगैरह पहनी, शॉर्ट्स ट्राई करके देखी, शॉर्ट्स काफ़ी अच्छी लगी मुझे, बट वो ड्रेस थोड़ी सी वो फिट नहीं बैठ रही थी, भारी बहुत है। बट ये कटाना हार्ट में रखना कितना लाइक सही फील होता है भाई, छोटी है और ये तो लॉन्ग शॉर्ट भी नहीं है। यहाँ पर वो कुछ सारी गामा और ये सब भी दिखाया, नीचे शुरुकिन वगैरह, तो फुल सेकीरो गोस्त ऑफ सुशीमा वाली वाइब्स भाई, मज़ा आया काफ़ी भाई। कैसी कटाना होनी चाहिए और स्टैंड पे पीछे बैकग्राउंड में कितनी बढ़िया लगेगी भाई। ऑलराइट गाइस, समुराई म्यूजियम से तो बाहर निकल गए भाई, उनकी हैट इतनी भारी थी, सारे हेयर स्टाइल वगैरह सब बिगाड़ दिया। अभी मेरा प्लान है एक कैट कैफ़े जाने का, मैं सोच रहा था अगर भाई इधर नहीं जाना मेरे को। GoPro टूट गया भाई और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, कमाल की बात ये है, मेरे हाथ से छूट गया, मैं सर्च कर रहा था, इसका ये डैमेज हो गया थोड़ा सा, मैं फ़ोटो ले लेता हूँ ताकि तुम लोगों को दिखा सकूँ। इट्स फाइन दो, लेंस का बीच वाला पार्ट जो रिकॉर्ड करता है ना वो ठीक है, तो नो वरीज। ठीक है भाई, फाइट क्लब लग रहा है क्या, मैं सही जा रहा हूँ? हेलो, ये ज्यादा एक्साइटेड है, इसे बाहर आना है। ओ देखो देखो कितनी शैतान है, इसे पता है गेट खोलने वाला हुआ है। ओह शिट, इट्स ओके ओके। नहीं नहीं, बाहर नहीं जाना, ये ब्लैक की जैसे हैं सारे। नो नो, ये देखो सबको बाहर जाना है, मैं तुमसे मिलने अंदर आया हूँ, तुम बाहर क्यों जाना चाहते हो? क्यूट, पर ये स्लीपिंग मोड में है, ये तो चौकी बढ़िया जगह है यार। सीटी 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 सीटी। हाँ, तेरे को लग रहा है मेरे पास फूड है? अरे मेरे को इन्होंने ट्रीट दिया, और ये देखो ये देखो, ये सारे भीड़ लगा के बैठ गई है, देखो अभी ऐसे, अब ये यहाँ बैठी है बिल्कुल, और जब मैं बुला रहा था जब नहीं आ रही थी ये। हाँ, ट्रीट जो चाहिए सब मतलब ही है, ये क्यूट तो है भाई, कैट्स क्यूट तो है। ब्लैकी वाली वो आ रही है, मेरे को याद है कि ब्लैकी भी ऐसी करती है ना ड्रम में, देखो। हाँ रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, टच नहीं करने दे रही, और वैसे खाना चाहिए, टच मत कर, खाना दे बस। क्या हो रहा है, क्यों काट रही है? दे रहा हूँ, रुक रुक जा रुक जा, दे रहा हूँ। प्यार से मतलब नहीं है इन्हें, बस खाना चाहिए। ये देखो पूरी कमर नीचे ऐसे बेंड कर लेती कि टच मत कर, फुटेज रोक दे तू, तेरे को सबसे ज़्यादा खाना भी चाहिए, उधर उधर जा। इसीलिए ट्रीट लेना ज़रूरी था, मेरे को पता था वैसे भाव नहीं देंगे मेरे को। मेरे हाथ को चाट रही है, मैंने बंद कर रखा है ना। ये तीन है, लगी पड़ी है, सारा खाना खा गई है लोग। उसने टॉय ले रखा है, देखो टॉय के साथ खेल रही है। ये वाली मेरे को ज़्यादा क्यूट लग रही है, तो इसको खाना दे रहा हूँ मैं। जो क्यूट है वो आओ बस। तेरे को भी खाना है भाई, मुँह से बुला के बैठी है, तो खाने के लिए कौन ही मना करेगा। पर ये ना सारी कैट्स क्यूट है, पर इनकी सेठ देखो ये लग रही है शक्ल से, सोच रही है तो खा ही नहीं रही। नहीं खाना, कितनी चिल प्लेस है वैसे, स्पेशली जब यहाँ पे कोई नहीं है, मैं ही हूँ बस।
सूंघ रही है बस कि इसे खाना तो नहीं है इसमें। देख बस ये सूंघने आती है कि मेरे पास खाना है या नहीं। बहुत मतलब ही है तू। मसाज कर दूँ मैं? इनको मसाज बहुत पसंद है। ब्लेकी की जब मैं ऐसे मसाज करता हूँ ना फुल मज़ा आता है उसे। नहीं है मेरे पास और खाना नहीं है, मसाज कर सकता हूँ और मैं तेरी फ्री में। मज़ा आ भी रहा है नहीं भी आ रहा कुछ समझ ही नहीं आ रहा इसके फेस से। ये पेट करवा रही है, ये क्यूट कैट है ना भाई। बाय मैं चला। ये देखो एग्जिट का गेट है, ये कितना सामान फैला रखा है। मुझे लगा था मैंने कहा घर वर शिफ्ट हो रहा है भाई, कहाँ है यहाँ कैट कैफे। इतना कुछ हाइपर वीपर तो नहीं बोलूंगा मैं, बट यार एक यूनिक एक्सपीरियंस था ये भी। ऑलराइट फेलोज, ट्रेन स्टेशन पे हूँ, ओसाका जा रहा हूँ रोम रोम जी से मिलने। स्टार्टिंग में ये पूरे ट्रेन का सिस्टम ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता था, अब तो बहुत इजी हो गया है। लाइक लिटरली कहीं भी जा सकता हूँ मैं। आई मीन 15 दिन से ट्रेन्स में बसेस में इन्हीं में घूम रहा हूँ। तो कैसे भाई, क्या हाल चाल? मिल लिए भाई हम फाइनली। 2020 में मिलने का प्लान था। तो भाई ट्रेन कैसे हुआ? अरे ये अभी टूटी है, आते हुए बस। अच्छा तो लेंस तो घूम के निकल जाता है ना? पता नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लाइक रिकॉर्ड वगैरह हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। बच गया लेंस, भाई तो लकी हूँ बहुत। भाई अगर तुम में से इनको कोई नहीं जानता, इनका नाम है पवन, ये जापान में रह रहे हैं। कितने साल हो गए? 8, 5, 7.5। 2020 में जब मेरा प्लान बन रहा था ना, इनके ब्लॉग्स वगैरह मिले थे मेरे को वीजा ढूंढते हुए, तो ये व्लॉग्स मिले थे भाई, अपना बना थोड़ा कनेक्शन। 2020 में तो मेरे ख्याल से बात भी हुई थी ना अपनी। फुल मोटिवेट छोटिवेट किया था इन्होंने कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, करना था कर सकते। अरे हाँ भाई ना लॉकडाउन हो गया तो फंस गए थे हम, बट हियर वी आर 2022। आओ भाई बात बात करते हैं थोड़ी सी, तुमसे मिलता हूँ मैं थोड़ा टाइम बाद। ए फ्यू मोमेंट्स भाई, अभी थोड़ी भूख लग रही थी तो हम लोग इंडियन रेस्टोरेंट खाना खाने। नमस्ते जी। दोस्त आया अच्छा जी, पराठे वगैरह मंगाए हैं और कड़ी चिकन और रोम रोम जी अपने छोले और रोटियां। मैं अभी आज थोड़ा पेट भर के तमीज से खाऊंगा। Eventually. और गाइस रात हो गई है, हम लोग यहाँ स्नैक्स खरीद रहे हैं भाई। एक्सपर्ट को लेके आया हूँ साथ में कुछ। हाँ वही ना, मेरे को भी कुछ खास नॉलेज है नहीं। 15 दिन में कुछ स्नैक वगैरह खाया नहीं है, एक दो पैकेट खाया था बस, लेकिन फिर भी हम खरीद रहे हैं थोड़ी ट्रॉली सी भर ली। अब देखो और कुछ बढ़िया मिलता है तो। वैरायटी इतनी है ये देखो, और अभी तो एक ही फ्लोर है। केले सूखे हुए चिप्स है ये चीजें हैं, बताओ कैसे ही मन कर जाए लेने का। अच्छा स्टोर से तो निकल चुके हैं, ये देखो ये बाय कर लिया दुनिया भर के स्नैक्स। अब पंगा ये है कि जगह नहीं है मेरे पास ये रखने की, तो मेरे को एक बैग तो बाय करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, वो कैरी ऑन लगेज जो होता है। ये देखो भाई मेरी हेल्प करते हुए और हमने बाय कर लिया एक बैग। एक घंटा लगा ये करने में, एक घंटे से पूरे हारे घूम रहे हैं हम पूरा ना। यहाँ पे यहीं पे सड़क के बीचों बीच क्या करने लग रहे हैं? ऐसा लग रहा है भाई इलीगल सप्लाई कर रहा हूँ मैं। मेरे पास वैसे भी बहुत सामान हो रहा है, सिविनियर वगैरह भी ले रखे हैं, तो इसमें आ जाएगा। हाँ एक्स्ट्रा भी है, स्पेस भी है। 8 किलो से ज़्यादा ना हो जाए बस, ये ड्रामे करेंगे वरना फ्लाइट वाले। घूमते घूमते बहुत टाइम लग गया, इसीलिए टाइम है इनसे गुड बाय लेने का। चौखा घुमा दिया, पर शॉपिंग में ज़्यादा टाइम लग गया यार, बहुत टाइम ख़राब करा हमने। पर नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मिलूँगा फिर से इंजॉय करेंगे। हाँ भाई ना अपनी टाइमिंग थोड़ी सही नहीं बैठी तो इसलिए कम टाइम स्पेंड करा साथ में। ये वाली ट्रेन है मेरी क्योटो जाने के लिए। देखो क्या बिल्ली बिल्ली सी छाप रखे हैं, क्यूट सा बना रखा है इसे। ट्रेन पे बैठा हूँ, जा रहा हूँ वापस अपने होटल। आज लास्ट डे था, कल पूरे दिन ट्रैवलिंग करनी है मेरे को। रोम रोम जी से काफी कॉन्वर्सेशन हुई, चोखी बातें करी हमने, काफी एक्सपीरियंसेस शेयर करे, सो इट वॉज फन। आई विश कि मैं थोड़ा और टाइम स्पेंड कर सकता, क्योंकि यू नो जब एक हिंदी टू हिंदी कॉन्वर्सेशन होती है ना तो काफी फन मजा आता है, काफी एक्सपीरियंसेस हमने शेयर करे। उन्हें काफी टाइम हो चुका है यहाँ पे, तो ही वॉज नाइस इनफ मैन। वो मेरे को इन्वाइट कर रहे थे कि अपने आराम से मैं वहाँ पे पसर जाऊँ उनके घर पे। टाइम और सीन ही ऐसा बन रखा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम क्या होता है। ये पहली बार है जब रात के 11 बजने वाले हैं और मैं बाहर हूँ अपने होटल के। ये पूरे 15 दिन में पहली बार हुआ है, क्योंकि मैं अपनी स्लीप शेड्यूल ना ख़राब नहीं करना चाहता था, तो मैं सो जाता था 10 बजे तक। दिस ट्रिप वॉज फन। अब बस होटल पहुँचता हूँ मैं।
भाई मैं इतना डंब बंदा हूँ, 11:30 हो रहे हैं और मैंने बस ली, और मैंने ये भी नोटिस नहीं किया, बस तो मैंने ठीक ली लेकिन वो गलत रूट पे जा रही थी, लाइक वो दूसरे रूट को ले रही थी, मेरे को उतरना था बीच में कहीं, मैं उतरा नहीं, मैंने कहा मेरा स्टेशन ही नहीं आ रहा, ओ भाई अब और आगे उतार दिया उसने मेरे को आधा घंटा लगेगा पैदल चल के जाऊंगा अपने होटल तक, तो वो मेरे को लिटरली होटल के सामने उतारती थी, और इतना डंब बंदा हूँ, मैंने बिल्कुल नहीं देखा, मैं अपने फोन में तो लगा हुआ हूँ बस, मैं दिमाग खराब, मोशन सिकनेस से शुभम मत किया कर ये हरकतें। अब 11:30 हो रहे हैं रात के और मैं वॉक करने वाला हूँ बिकॉज बस कोई नहीं है। अब मेरे पास ये बैग भी है, दुनिया भर की आवाजें हो रही हैं रात को, बट चलो। हे आई एम बैक इन माई रूम। ये देखो भाई इतना चला हूँ कि मैंने ये ख़रीद लिया, ये मेरी फेवरेट चीज़ है वैसे, ये योगर्ट ड्रिंक ले लेता हूँ और ये चाउमीन से ले लेता हूँ। इतना चला कि दुनिया भर का थक गया और भूख लग गई, अब मेरे को पैकिंग शैकिंग भी करनी है क्योंकि कल चेकआउट है। या